ए मर्सी, वो पिकाचू वाला सीन मैं बताना एक बार, स्ट्रीम ही वो नहीं कर सकता। मेरा कमेंट नहीं हो, एक कमेंट था याद कर बोलना हाँ क्या था भाई? अरे एक बंदा मुझे बोला बोला, जाता ना, इसलिए बोल लिया था मस्त। एक बंदे ने कमेंट सेक्शन में लिखा कि सोल जो है वो फ्री फायर टीम है, ठीक है? तो उसका अरे रिप्लाई करते हुए एक लड़का लिखता है, बेटे तेरा बाप ऐश बुला रहा है। हाँ तेरे को क्या बता रहा है, मैं ही तो तेरे बाजू में बैठा था। तो वो तब पूछ रहा था तो मैं, तो अच्छा, हम लोग पहले एक सेकंड के लिए ये हो गया, ये क्या हुआ? फिर वो ये मैच हुआ कि ऐश बंदा वो उसको पिकाचू फाउंड। बोल रहा था, तभी ऐश बोला उसने। ओ भाई अपने सपोर्टर लोग भी क्रिएटिव करके ब्रीज रखते किससे हैं, लगाया भाई? हेटर लोग भी एकदम अच्छा सब्सक्राइब किया करके है। रखते हुए। कहाँ लगाते थे वे लोग? हेटर लोग सब्सक्राइब करके रखा है तेरे को, कैसे हो अब हाँ वो शुक्ला आते बढ़िया डिसलाइक ब्रो? करके चले जाते हैं इनिशियल पे। मैं वीडियो डाला अभी, जैसे देखा तो 4 डिसलाइक। मैं कहा भाई सब्सक्राइब करके डिसलाइक करते हो बेशरम। देखो गाइस, ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा शायद मेरा और मावी का, मिडिल में ऊपर है तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मावी और मेरा एक अपार्ट फ्रॉम और काइंड ऑफ प्लेयर, इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ रिलेशन विच वी हैव। तो हम लोग का ऐसा रिलेशन है जो कि अपार्ट फ्रॉम ऑर्ग्स रहा है। मैं कभी भी एज अ 8-bit एसेटीएल ओनर मावी से कभी बात नहीं किया, और मावी कभी भी ओआर का आईजीएल और यू नो द मोस्ट हाइप्ड आईजीएल एंड मोस्ट वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन इंडिया, लीडिंग कैप्टन, ये सब वाले एस्पेक्ट से कभी मेरे से बात नहीं किया। हम लोगों का हमेशा बात रहा है अबाउट ग्रोथ, आराम से अंदर ही खेलो, एक दूसरे का ग्रोथ के लिए।